विक्टर जी पधारे हुए, एक अच्छा मौका था इस साहब से मुलाकात हो, क्योंकि ये हमारे बॉर्डर पे भी आए थे। आप इनके बारे में जानते नहीं है, तो आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कितने बहादुर और लीजेंड आदमी में इनका नाम माना जाता है पूरे देश में, क्या पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो गुप्ता साहब को सब जानते हैं। श्रीमान मनिंदरजीत सिंह जी बिट्टा, आपको जिंदा शहीद भी कहते हैं। झंडे का जब भारत माता का अपमान करे तो शरीर का एक अंग तो गया, पूरा शरीर निछावर कर दे, सब भारत माता के चरणों में भारत माता की तो तरफ आंख उठा के देखे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। दीप ज्योति नमोस्तुते, बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति। जीविता से निवेदन करूंगा कि वो अपने जोशीले भाषण से हम सबको लाभान्वित करेंगे। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगाहदार है आपके। आपका सीमा सुरक्षा का कल्याण का काम और पंजाब को देखकर और यंत्र में झंडे का बार बार अपमान, भारत माता का बार बार अपमान, नया नारा छिड़ गया भगत सिंह आतंकवादी, नया कभी सुना ही नहीं। देश के किसी कोने कोने में आप चले जाइए, हर गांव में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं चले जाओ, भगत सिंह जी के स्टैचू खाऊं खाऊं मिलेंगे। ये अपने लोग, अपने घर के लोग कहते हैं, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए घरदारों से। बर्दाश्त की हद होती है। भगत सिंह को आतंकवादी कहने वालों के पार के इनके शरीर खोल के रख देगी, जितने मेरे सरदार भाई खोल के गुरुद्वारा धाम में बोलेगी। बोलने को तैयार कोई नहीं, देश को तोड़ने की को बात करते हैं, हम बर्दाश्त कर रहे, तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हम बर्दाश्त कर रहे, भारत माता को गाली दे रहे हम बर्दाश्त कर रहे। वो भारत मां कितनी कुर्बानी उसे करनी। छत्रपति शिवाजी महाराज उन सालों से लड़ते रहे, औरंगजेब से लड़ते रहे, कहां महाराणा प्रताप, कहां सावरकर जी, जिन्होंने अपना पूरा वक्त काला पानी में निकाल दिया। आज उनके ऊपर चर्चा का विषय बनता है, जिनको राजनीति आती है, देशभक्ति नहीं आती, और सावरकर जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं और हम बर्दाश्त कर लेंगे। इतनी गर्मी जीवन है, इस मातृभूमि के लिए लड़ेंगे। कोई आंख उठाकर देखेगा उसको एक ही बात कहेंगे, एक चरम चिरागों में सजा रखी है, संत लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, हम जान की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। वंदे मातरम। जय सर ये है।